सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? और स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कैसे होने वाली है। तो होपफुली आप सब बढ़िया होंगे अपने घर पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वैसे कई चरखी पड़ी तो है मेरे पास, तो ये देखो। बल इसमें ना थोड़ी इतनी खास नहीं है, जो मैं बनाने वाला हूँ वो इतनी खास होने वाली है। और वो स्टील की है, और वो नीचे मारोगे ना कितनी भी वो टूटेगी ही नहीं। तो एक बार ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ मैं वो वैसी चरखी बनाना। तो लेट्स स्टार्ट। और बोरी दरी उस पर बैठ के बनाते हैं। अभी इस पर सामान तो है नहीं। अभी 1 2 3 सारा सेटअप तैयार है और अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें उसके लिए चरखी के लिए चाहिए पहले ये पाइप, ये जो टंकी का पाइप होता है जिससे पानी आता है। तो इसी का छोटा सा ये 12 इंच का पाइप है, तो आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी चरखी के लिए। तो इसको मैं पहले क्या करूंगा, एक सिल्वर टेप लेनी है आपने। तो इस पे पूरे पे लपेट देनी है आपने, एकदम एंड से कोने से स्टार्ट करनी है। सिल्वर टेप कर दिया मैंने इस पे पूरी पे। इसको अच्छे से ऐसे कर देना आपको, और फिर आपको सेलो टेप लगानी है इस पे, ट्रांसपेरेंट टेप जो होती है। तो ये अब ये वाली टेप लगाते हैं इस पे ताकि इसको मजबूती मिलेगी। तो ये वाली टेप देखना। तो गाइस देखो, सेलो टेप भी चिपका दी मैंने इस पे। अब एकदम ये रेडी है। ये हमारा बीच का मेन सेंटर होने वाला है, तो एकदम मजबूत होना चाहिए। वैसे तो ये मजबूत ही है, पर थोड़ी शो के लिए। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो अब इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करना है ताकि ये सेट हो जाए एकदम, ताकि आपका जो मंजा है इसमें टेप में अटके ना। इसको हर जगह से दबा देना आपने। एकदम आटा गूंदने वाली फीलिंग आ गई गाइस, आपको भी आ रही तो कमेंट कर देना। तो अच्छे से दोनों साइड से। अब हमें चाहिए दो प्लास्टिक बोतल, जो ये होने वाली है। तो इसके बीच में मैंने आपको छेद किया है, तो मैं अभी वीडियो के जब इसको अभी बनाना है तो अभी आपको बताऊंगा किस किस काम के लिए मैंने इसमें छेद किया बीच में। तो बोतल लेना है आपने, ऐसे करना है इसको और इसको अंदर दबा देना है। तो ये गाइस अंदर दब गई है, तो ये देखो अंदर चली गई है। तो सेम आपने यहाँ से भी करना है, तो ये यहाँ से भी चली गई है। देखो गाइस ऐसे दोनों साइड से दबा देना आपने। तो ये देखो, अब इस छेद का मतलब आपको मैं समझाऊंगा कि मैंने छेद क्यों किया था। तो फिर से ऐसे आपने ऐसे करना है। तो ये देखो गाइस, बहुत मजबूत बनने वाली है चरखी, अभी मजा आने वाला आपको भी। तो गाइस जो मैंने प्लास्टिक बोतल ली थी उसको मैंने ऐसे बीच में से काट दिया था। तो यहाँ ऐसी दो बोतल ले लेना, तो इसको बीच में से काट देना। और आपको चाहिए एक स्टील पाइप, और इसको थोड़ा सा मैंने गर्म किया था तो इसमें ऐसे डाल दिया, तो ये ऐसे छेद हो गया और ये अंदर घुस गई। तो इसको ये पाइप तो वैसे आपको चाहिए क्योंकि इसमें डालने वाला। तो ये स्टील पाइप है एकदम मजबूत, ये मैंने 25 इंच का लिया है और ये 60 रुपए का पड़ेगा। तो आप मार्केट में जाओगे तो इजीली आपको अवेलेबल है किसी भी हार्डवेयर शॉप पे, तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो इसको एक बार डाल के दिखाता हूँ। एक बार इस छेद से डाला और यहाँ से बाहर निकाला, तो ये देखो गाइस इजीली निकल गया। दोनों साइड बराबर छेद है। और अब ये आपको ये दिखाता हूँ। फिर एक ये वैसे दो जाली लेनी है आपको बाथरूम में, बाथरूम ड्रेनर होता है। और ये 30-30 रुपए की मैक्सिमम, 25-30 रुपए की पड़ जाएगी, मैक्सिमम 30 रुपए की पड़ जाएगी आपको, 30 रुपए की एक। तो ये आपको दो ले लेनी है। और इसमें भी आपको अगर छेद वाली मिलती तो ठीक है, नहीं तो हमने ये वेल्डिंग वाले से इसमें करवा लिया था थोड़ा, उसने ज़्यादा नहीं 20 रुपए लिए थे, टाका लगवा लिया था। तो अब एक साइड इसमें घुसाई, तो ये एक साइड ऐसे बैठेगी।
तो दूसरी साइड ऐसे बैठेगी। तो ये देखो गाइस काफ़ी सही है। और ये अभी इसमें एक और चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी गाइस चरखी बहुत बढ़िया बनने वाली है, तो अभी इसको निकालते हैं। तो अभी गाइस एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चरखी के लिए। तो आपको एक लेनी है छोटी सी कील, और कील से इसको गर्म करके तीन छेद करने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सेम साइड यहाँ पे भी और इधर भी करने हैं आपको तीन छेद। तो अभी वो छेद करते हैं हम इस कील को गर्म करके। अभी मैं नीचे जाता हूँ और कील को गर्म करके छेद करके लाता हूँ इसमें। तो अभी ऐसे मैं देखो नीचे से छेद करके लाया है, एक दो तीन, और ऐसे ही यहाँ पे एक दो तीन ये छेद आपको दिख रहे होंगे। तो ऐसे ही आपने ये, तो गाइस ये ऐसे कील को गर्म कर लेना है और यहाँ पे ऐसे डाल देना आपने, तो ये तीन छेद हो जाएंगे। और ये 1.25 इंची के पेच लेके आया था मैं, 15 पेच लाया था, मतलब 12 के यूज है। तो देख लेना आप, ये 5 रुपए के 15 पेच दिए थे मेरे को, तो इसको वैसे यहाँ पे कस देंगे। तो ये गाइस तीनों साइड कस दिया मैंने, देखो तो अच्छे से हो गया। अभी आपने रॉड लेनी है सीधा यहाँ पे ऐसे, यहाँ से ऐसे बाहर निकाल लेनी है। और अब ये चरखी एकदम बराबर होनी चाहिए, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए ताकि आप ऐसे ऐसे लपेटे तो सही हो। तो ये जो बाथरूम ड्रेनर है इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है। तो यहाँ पे जो छेद किए थे गाइस वो देख लेना कहाँ पे आपने छेद किए थे, क्योंकि वहाँ पे भी एक नट कसना है आपने। ये अच्छे से कर लेना आपने एक बार, आपने। तो गाइस मैंने यहाँ स्टील का टाका लगा लिया है और जो गोल्ड का टाका लगा है दोनों तरफ। तो अभी मैं आपको टाका लगाना इसलिए प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ एमसील लगाना आप लोग, क्योंकि ये ढीला पड़ चुका है। तो अब मेरे को इधर एमसील लगानी पड़ेगी तो इसको टाइट करने के लिए। बाकी चरखड़ी एकदम बढ़िया है, एमसील लग जाएगी तो सही है। और अब ये एक ये जो बाथरूम का टैप वाटर का नलकी होती है उसको लगाना है, ये 5-10 रुपए मिल जाएगी आपको, दो लेनी है। एक इधर लगा दिया टाइट करके, एक इधर लगा दिया आपने, तो ये एकदम चरखी बन गई आपकी। और ये मजबूत चरखी है, कितनी भी नीचे गिरा लो एकदम कुछ नहीं होगा इस चरखी को, एकदम फौलाद जैसी चरखी है। और 15 अगस्त में जब उड़ाओगे आप लोग तो मज़ा भी आएगा आप लोगों को। तो गाइस ये आपकी चरखी तैयार है, और ये देखो गाइस पूरी चरखी एकदम तैयार है। और ये इसके लिए जो जो सामान चाहिए वो आपको वीडियो के एंड में एक छोटा सा नोट होगा वो पढ़ लेना, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब बाकी चरखियों से सबसे बेस्ट ये वाली चरखी है, थोड़ा मंजा लपेट देते हैं इसमें ताकि आप लोगों को भी पता चले कैसी चरखी है। थोड़ा मंजा लपेट के दिखाता हूँ आप लोगों को, ये ऐसे लिया, देखो अभी ये ढीली है तो घूम नहीं रही है, बाकी ये देखो बढ़िया सी है। ऐसे ऐसे करोगे तो ये अभी हिल रही है, इसमें अभी एमसील नहीं लगाई मैंने, तो अभी जब ये टाइट हो जाएगी तो अभी ये देखो एकदम बढ़िया चरखी है गाइस। तो मंजा भी तेज तेज लपेट रहा है, तो अभी ये हिल रही है क्योंकि यहाँ मंजा अटकने का चांस है, तो अभी ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, यहाँ एमसील लगा दूंगा मैं, एकदम टाइट हो जाएगी तब। तो गाइस चरखी एकदम तैयार है, और वीडियो के एंड में आपको सारा नोट्स मिल जाएगा कैसे कैसे आपको सामान चाहिए। तो गाइस वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करने का काम आप सबका है, और सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।